हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। तो मैं पहले तो सबसे पहले आज के दिन यानी कि 17 सितंबर 2023 पूरी अपनी टीम की तरफ से, समीक्षा न्यूज नेटवर्क की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ आप चेहरा तो मेरे साथ देख रहे होंगे कौन इस समय हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद है, बोधराज शर्मा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, मगर आज ये काफी ज्यादा नाराज है। बट हमें भी नहीं पता क्यों नाराज है, वही जानने के लिए आज हम बोधराज जी को अपने चैनल पे आपके समक्ष लेकर आए हैं। बोधराज जी पहले तो आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। क्या लगता है आपको कि आज आखिरकार आप नाराज किस विषय में है और क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय जी, शुक्रिया आपका, आपने बात की नाराज की। मैं ही नहीं, पूरा जम्मू का डोगरा अब नाराज है, जम्मू का डोगरा परेशान है। जो कल का वाकया जो हुआ है बड़ा मुझे दुख से साथ कहना पड़ रहा है। किस किस्म की सोच लेके जो लोग चल रहे हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया, खुद हैरान हो गया। अगर कविंदर गुप्ता जी ने जम्मू के डोगरों का खिलाफ बयान दिया, जम्मू के डोगरों को पैसे लेके दलाल कहा, तो उसकी माफी के बजाय वो आप उनके घर भी चले गए, आप उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि माफी मांगिए, हमें लोगों को जवाब देना है। अरे ये इस किस्म की जम्मू का डोगरा ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है अपनी जी, क्योंकि जब से मैं ये वीडियो देखी है मुझे तो बहुत। कौन सी वीडियो आपने देखी? जो जो वायरल हो रही है, जो हमारे जो भाई थे वहां पे राजभूसभा के, जो कुछ लोग गए थे, क्योंकि अगर 10 लोग गए होंगे उनमें से 7-8 वो भी नाराज हैं, उनकी बगैर मर्जी हुआ है ये काम। लेकिन बड़े बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, जो लोग कल तक बात करते थे कविंदर गुप्ता जी की, हम घर का घिराव करेंगे, भाजपा का घिराव करेंगे, उनके घर जाके उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, बोलते माफी मांग दीजिए, हमें जनता को, हमें लोगों को जवाब देना है। अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि कमी, आपने ये चीज देखी कि उन्होंने हाथ पांव जोड़े उनके, तो बोला अगर भाई उनके घर चले गए तो जोड़ने से और क्या हो सकता है। कविंदर गुप्ता का ये बयान है कि मुझे वहां मेरे भाई हैं हैप्पी जी, उनका फोन आया है, मैंने बचाना नहीं उनको, ये कविंदर गुप्ता का बयान है। इससे बड़ा और बड़ी बात है कविंदर गुप्ता ने माफी भी नहीं मांगी, बोला खेत है, खेत और माफी में कितना फर्क है। उन्होंने तो कहा, मैंने काफी सारे चैनल्स पे जो ये इंटरव्यूज भी दिए, 40 से ज्यादा अधिक चैनल होंगे जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, और कहा किसी को अगर मेरी बयान पे कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मगर मैंने ये सब नहीं बोला है, तोड़ और मरोड़ के दिखाया गया। मिले जी, मैं आपकी चैनल से बात स्पष्ट कर दूं, जो कविंदर गुप्ता का बयान है वो एक पूरे वाक्य में है, कोई तोड़ मरोड़ नहीं हुई है, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आप भी बली बांधी जानते हैं, मुझे भी इस कार्य में 20 साल हो गए हैं, 18 से 20 साल हो गए हैं। मैं गारंटी से ये कह सकता हूं, अगर कोई मुझे वो एडिटिंग बता दे मैं उसके ऊपर 11,000 का नाम दूंगा। अगर उसमें कविंदर गुप्ता जी बता दें, या कोई पत्रकार या कोई बंदा भी बता दे जिसमें एडिटिंग हुई है, मैं 11,000 का नाम दूंगा। क्योंकि आपका कहना है कि जो वो बयान थे वो पूरा कंटिन्यूटी है, ये जानबूझ के दिया गया है, ये सोची समझी साजिश थी। तो फिर कविंदर गुप्ता जी कैसे कह रहे हैं इस चीज को कि वो तोड़ और मरोड़ के दिखाया? देखो पहली बात तो उन्होंने बोला तोड़ मरोड़ के कहा है मेरा, और जो बयान उन्होंने दिया है उसमें वो घर जाके, क्योंकि रायपुर सभा के जो उन्होंने ये भी, हमने उनका इंटरव्यू किया था, आपने भी वो देखा होगा, उनको उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैंने पैसे की बात अगर की कि पैसा लेकर कुछ भी करवा लो, मैंने पत्थरबाजों के लिए कहा। क्या जम्मू का डोगरा पत्थरबाज दिखता है? क्या जम्मू का डोगरा, मुझे शर्म उस बात की आती है, क्योंकि कविंदर गुप्ता की तो मैं बात करना चाहता नहीं हूँ, शर्म मुझे इस बात की आती है जिन लोगों ने जम्मू के डोगरों ने, अब बात कर रहे थे कि ये गाली जो दी है, जो बात की है डोगरों के लिए कही है, क्या डोगरों का फैसला जी 4-5 लोग करेंगे, जो कल बैठे हैं 4-5 लोग करेंगे? तो आप युवा राजपूत सभा की बात देखो, बिल्कुल मैं वही बोला जाता हूँ, देखो बोधराज शर्मा जहाँ गलत होगा, बोधराज शर्मा डंके की चोट से उनके खिलाफ बात करेगा, क्योंकि बोधराज शर्मा जम्मू के साथ खड़े है, क्योंकि हमने भी बढ़ चढ़ के इनका सपोर्ट की थी, हालांकि काल इनकी थी, हमने सपोर्ट की थी। अरे क्या बात कर रहे बोधराज जी, वो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य थे वो जेल भी गए, कितने दिन वो जेल में रहे आप भी जानते हैं, और किस तरीके से उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी डिटेन किया गया, फिर उनको कुठुआ जेल में भेज दिया गया, आप क्या बात कर रहे हैं जी? क्या वो जम्मू की आवाज नहीं? बिड़ी जी देखो जम्मू की बात, राजा हरि सिंह जी की छुट्टी दिलवाने में भी युवा राजपूत सभा का कितना बड़ा हाथ है। बिड़ी जी बिल्कुल, मैं पूरी युवा राजपूत सभा को नहीं कहूंगा, चंद लोगों को कहूंगा,
क्योंकि युवा राजपूत सभा के बीच भी अब लोग नाराज चल रहे हैं। आवाज तो है, आवाज थी, अब आवाज नहीं है। अगर डोगरी आज ना, अगर गोडे दम ना ना वे रेस बच्चे खड़े नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये डोगरी का अवधा गोडे दम नहीं, ग्रीस ने ना वे रेस बच्चे खड़े नहीं होना चाहिए। दौड़ चक्कर अगर नहीं ये काम करना हा तो जम्मू के डोगरे ने सेंटीमेंट हार्ड नहीं करना हा, क्योंकि तुझे गल की जेल की। मनीत जी मैं तो पत्रकार ने बड़ा सलूट करना, अगर वो लोग एक बार जेल गए तो बोधराज शर्मा दो बार गया, दो बार छुट्टी मिली ही। लेकिन बोधराज शर्मा उस दिन अज दिन कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बोधराज शर्मा जो स्प्रिंगा लिखा दबाने की कोई कोशिश करो, बोधराज शर्मा स्प्रिंगा लिखा दुगना और ताकत कने बात करता। मनीत जी बहुत दुख हुआ करता, बड़ा दुख हुआ करता। अज जम्मू का डोगरा बड़ा परेशान है। अज युवा राजपूत सभा के जो मैंबर न वह भी बड़े परेशान, वह भी साढ़े भरा न। बड़े सारे लोगों के मेरी गल हुई, आखिर महाराज के हुई है, कई राधी रोटी नहीं खाधी थी। मनीत जी बड़ा दुख हुआ करता, क्योंकि जम्मू के लोगों पूरे खुले बाहर आई है। उन्हें यह गल आखी भी ये कविंदर गुप्ता का बयान है, तुम्हें भी खबर चलाई ही, तुम्हें सारे चैनल ने, ये कविंदर गुप्ता का बयान है। ये खाली युवा राजपूत सभा की गल नहीं है, ये जम्मू के डोगरे की गल है। अगर थोड़ा आखना मतलब है कि इन्हें उधर नहीं जाना चाहिए, कविंदर गुप्ता और उन्हें बाहर निकली लोगों को माफी मंगनी चाहिए। बिल्कुल सर, कविंदर गुप्ता ने माफी मंगनी चाहिए, पब्लिकली मीडिया गोडे नक रखने चाहिए थे पब्लिकली। फिर जाइए जल्द मीडिया सामने आते तो फिर जाइए बोलते, अस कोई तराज नहीं, क्योंकि जम्मू अस पीसफुल तरीके चलना चाहते, अस माहौल क्रिएट करना नहीं चाहते। लेकिन माफी उन्हें नहीं मंगी, अज भी नहीं मंगी। उनके घर जाइए आखा महाराज माफी मंगो, अहें जवाब देना। जिस विषय में ये इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ कर है? और कहीं ना कहीं बात कहीं कहीं और घूम गई, और अब टोल प्लाजा का मुद्दा जो है वो वहीं का वहीं रह गया। देखो ये सोची समझी साजिश थी, अब हमें भी पता चल रहा है कि जो भाजपा के नेता, चाहे रविंदर रैना की बात करें, चाहे दो तीन और बाकी लोग थे, बोलते ये तो हमारे बंदे थे, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, ये तो हमारे बंदे थे। अब कहीं तो कहीं समझ आ रहा है युवा राजपूत सभा को जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जो जो जिन लोगों, सभी को नहीं बोल रहा हूं मैं, जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने गलती की है उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों के कहीं तो कहीं सेंटीमेंट हार्ट हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, उन्होंने भी माफी मांगी, प्रिया सेठी ने भी बोल दिया, उसके बाद जो चीफ प्रवक्ता है भाजपा के सेठी जी, उन्होंने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया, तो अब और क्या माफी कौन मांगे? बयान दिया था कविंदर गुप्ता ने, रविंदर रैना ने मांगी, प्रिया सेठी ने मांगी, या भाजपा के बाकी लोगों ने मांगी, क्योंकि ये लोग अपने आप में डोगरे कहते हैं। जिन जिस बंदे ने बयान डोगरा है नहीं, उसकी बैकग्राउंड चेक कीजिए आप, वो बाहर से है, जम्मू का नहीं है। कविंदर गुप्ता जी जम्मू के नहीं है, इनका स्टेट बैग नहीं है, चेक करें आप लोग। ये स्पीकर कैसे रहे जम्मू कश्मीर, वो भाजपा जाने, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे वो जम्मू कश्मीर के, वो कैसे ये भाजपा जाने, ये खाली बनेजी पता के, ये खाली स्कूटर मांझने वाले, स्कूटर ठीक करने वाले नहीं हैं। तुमने बयान दाखिया ने स्कूटर मांझदा हमें, काम करने कोई शर्म थोड़ी है, मेहनत करिए ऊपर आए भाई। स्कूटर लोग ठीक करते, मांझते नहीं दिखे मैं कहते, भांडे तो मांझते न, स्कूटर नहीं मांझते दिखे मैं कहते। इन्हें कहना स्कूटर मांझता रहा, पेंट करता रहा, पेंट करना चलो ठीक है, स्कूटर मांझना के शब्द वा, इस किस्म की समझ नहीं आती। इस किस्म की आखने का मतलब यह है, स्कूटर ही जल्द पेंट करना होता ना नवा, तो उसी पहले मांझना तो पौंदा नहीं, स्कूटर मांझ पहले ओले लोग स्कूटर ठीक कराते हैं नी, हूं अगर स्कूटर की दुकान भी खोलगा जम्मू का डोगरा, स्कूटर ठीक कराने लग जा। मनीत जी लोग एक बार नहीं, मतलब इन्नी नफरत हुई थी लोगों जेड़े कविंदर गुप्ता हुंदे कोलों। बिल्कुल, जिला असेंबली जिला स्पीकर है ओले पाकिस्तान जिंदाबाद, कविंदर गुप्ता बतो स्पीकर है, क्यों नहीं कार्रवाई की? जम्मू का डोगरा सवाल पूछा करता है, जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछा करते हैं, क्योंकि कुदा का कुदा है, दाल च काला है। और जरा टोल प्लाजा वाला मसला है, ये बीजेपी ने जानी बुझे से खत्म कराया। लेकिन मैं थोड़े चैनल के माध्यम कने जम्मू के लोगों की एक गल जरूर आखूँ, क्योंकि बोधराज शर्मा तुंदे कन्ने, बोधराज शर्मा की कोई बड़ा कदम भी कदम लेना पोग वो लैग, क्योंकि अस हूँ अगर अजा एक दो दिन अस दिखना है, क्योंकि युवा राजपूत सभा भी बड़ा खिलार पी गया, हूँ बड़ा खिलार पी गया, बड़े लोग नाराज हो गए, बड़े सारे भरा नाराज हुए। मेरे टैलीफोनिकली गल भी हुई, वो भी साढ़े साथी ने साढ़े भरा अस सारे कोशिश करनी कट्ठे मिली चलने की, जोड़ा बीजेपी का दलाल होग वो अस चाहिए नहीं पे, क्योंकि जो जम्मू कने बर्बाद करना वो अस चाहिए नहीं। रही गल मनीत जी, अगर कुदा डिले होता लभ्या एक दो दिन के बाद, तुसें जम्मू जम्मू एकता मंच
एक बैनर तले जम्मू दे सारे डोगरे कट्ठे करके उन्हें कट्ठे करिए लड़ाई लड़गे, लेकिन असें झुकने आले नहीं हाँ। अस इंदे लगे जेला जाइए जा वो आ फलाना वाह प्रेशर आया कोई लीडर ने और बड़ी गल मी बनी सी दुखे गल दा आया कि वह मीडिया जड़ी ही जो उन्हें जम्मू की घर घर आवाज बजाई वह मीडिया ही जिन्हें धुप नहीं दिखी छां नहीं दिखी भुख नहीं दिखी त्रेह नहीं दिखी दिन नहीं दिखिया रात नहीं दिखिया तो बारह बारह बजे धोड़ी रद्दी ढोल उपर एक बजे तो मैं दे रहा सारी गल् लेकिन मेरे बड़ा दुख होंदा है जिले जम्मू की सारी मीडिया की इग्नोर किया जा अज कुत्थे नो अज अगर जम्मू की गल चुकी ही जम्मू की पूरी मीडिया ने चुकी ही बहुत राज की दुख है कि जिले कल समझौता कराने वाले किन्ने लोग हे कहड़े चैनल आए हे कहड़े कहड़े बंदे हे तो सारे पता ओला कुत्ते हे जिले जम्मू की गल करनी ही ओला ऐसिया ही बेहिया कुछ पार्टियां अज तुम गठजोड़ कराने लगे दे फिर आखिर महाराज जी दूआ जरा दिल्ली में चौदह पत्रकारों का बहिष्कार किया की नहीं करना चाहिए पत्रकारों का बहिष्कार ऐसे जो लोगों का करना चाहिए मैं अमरीत जी मतलब जी मेहनत करते लोग जो पत्रकार पत्रकार जरा ग्राउंड उपर जाइए काम करता दिन नहीं दिखती है तो हैं आख्या कि दिन नहीं देखते हैं रात नहीं देखते हैं और वो पत्रकार जो है वो काम करने के लिए समक्ष रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं कि तथ्य जो है वो सामने जनता के लाए और जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र सरकार के आगे वो बात को पहुंचाने की कोशिश करता है मगर उसको इग्नोर किया जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी जिले मैं गल तो सुना था जिले गर्मी च माहौल हा कि पत्रकार पानी पीने तक नहीं लभ्या चक्कर आने लगे मैं सामने हाँ मैं तुंदे कन्ने अस भी तुंदे कन्ने है लेकिन बड़ा दुख हुआ करता अज जो पत्रकारें क्यों इग्नोर किया जा करता क्या होगा गिने चुने सेलेक्टिव लोग लभदे न बाकी पत्रकार जम्मू के कुत्थे न मैं पत्रकारें हाथ बन्ने बिनती करना जम्मू के लोगों की आवाज चुकनी है तो पत्रकार चुकनी है अगर कुदै लोगों भी सपोर्ट की थी क्योंकि अस भी लोग जुड़े हे अगर कुदै तुसें तुंदे सेंटीमेंट हार्ट होए न मैं माफी मंगी लैगा क्योंकि फैसला तुसें करना हुण जम्मू के लोगों का जेडे लोग जम्मू कने गिरफ्तारी करा दे फैसला तुसें करना क्योंकि सवाल जरूर तुसें पर बनता पत्रकारें की दिला का हट करना क्योंकि बोध राज ने जिले कला का वीडियो दिखे था ना मैं चैन का सुता नहीं हाँ दुख है क्योंकि मीडिया जम्मू की खास करिए जम्मू की मीडिया वह मीडिया उधर भी मीडिया जी गई सिलेक्टिव मीडिया ही मैं आखा जम्मू की मीडिया वह मीडिया जी दिन नहीं दिखती रात नहीं दिखती धुप नहीं दिखती छां नहीं दिखती भुख नहीं दिखती त्रेह नहीं दिखती वह मीडिया की इग्नोर किया गया जी पूरी ईमानदारी जी पूरा इंडिपेंडेंट कोई कुछ दबाव थले नहीं आते अरे इस किस्म की अगर तुम मीडिया भी इग्नोर करगो तो कल भाई नोटिस है उन्हें मीडिया के खिलाफ ही निकलना जेड़े जिया दिल्ली निकलिया एनडीए ने इंडिया ने कड़िया फिर आखिर महाराज सारे पत्रकारें वो करा दे लेकिन कुदा का कुदा है जिन्हें लोगों मीडिया की बुलाया है ना ये मी लगता कि मीडिया बुलाया नहीं मीडिया ने गठजोड़ करने का काम कराया है मी तो इन्हें लगता है क्योंकि मी कोई परहेज नहीं है मैं गल करना स्पष्ट क्योंकि जिसे जम्मू की गल आती है उसे कोई कंप्रोमाइज नहीं है जम्मू की गल करनी है ढंके की जम्मू के लोगों का दिल दुखी हुआ और मैं थोड़े चैनल के माध्यम करने अगर गलती चलो इंसान का करता है अगर कुदा गलती हुई है अज गै राजपूत सभा सारे मैंबर इकट्ठे होना चाहिए सारे लोगों इकट्ठे होना चाहिए इनकलूडिंग जिन्हें भी गए हे जै रिजाइन दिता उन्हें भी इकट्ठा होना चाहिए जेडे इले हैं उन्हें भी इकट्ठा होना चाहिए सारे मिलिए जम्मू की लोगों को माफी मंगनी चाहिए और बड़ी गल कविंदर गुप्ता ने माफी नहीं मंगी है और ये अगली रणनीति बनानी चाहिए भाई अगर राजपूत सभा चुप करिए घर बेही जाग अलग अलग हो जाएगा जिन्हें बीजेपी की साजिश ही तोड़ फरोड़ करिए अपना काम करने वाले अगर इन्हें कर यह काम किया तो बड़ी जल्दी जम्मू एकता मंच तो ही नजर हो जम्मू एकता मंच त्याग करके अस पूरे डोगरे कट्ठे करके कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो कोई शासन नहीं हो कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं हो कोई वो नहीं हो सिर्फ जम्मू की गल करके लेकिन उत्थे एक गल होनी उत्तर यह नहीं है भी बड़कना बड़े बड़े महाराज कि कविंदर गुप्ता कोठी का घराब करके दुए गोडे निकलने वो बंद नहीं चाहिए सीधी गल मैं एक बार बंदा स्पष्ट हाँ कुदा कुदा सारे दिल च अभी बड़ा गुस्सा है क्योंकि मेरी कुसा कन्नै गल नहीं हुई है मेरी कुसा कन्नै गल नहीं हुई है साढ़े हैबी भरा ने या बाकी आए भरा ने जिन्हें कुछ मेरे को गल नहीं हुई है अगर गल हुई तो विनीत जी अगर मैं वह बंदा हाँ मुंह पर भी गल करने वाला मैं तुम्हें पता कि मैं पर्दे पिछले गल नहीं करता है अगर मैं हैबी भरा ने यह गल आखना कि सारे लोग कट्ठे होइए अगर रणनीति बनाओ टो नो टोल द नो रोड द अस सपोर्ट थोड़ी की थी अस आखिर टोल इलीगल है उसी नारे भी जेंगे गया वह भी कुदा कुदा शारा बीजेपी दफ्तर हाँ।
नहीं, मगर एक चीज है ना, जिहड़ा सरोल टोल है ओ ते हटना हटना ठंडी कोई खुली जाना उगले गल मैं आखा ना जे टोल प्लाजा है ना ये इलीगल है बनी जी 60 किलोमीटर उभी 60 किलोमीटर जावा है 60 किलोमीटर दुआ नहीं हो सकता दूसरी गल ड्यूटी दे अंदर टोल हो ही नहीं सकता त्री गल नो रोड टोल नो टोल जिहड़ा टोल नहीं ते रोड नहीं टोल ई साडा नारा ना साडा नारा भी इलीगल जिहड़ा पार्लीमेंट दे गडकरी साहब ने बयान दिता था अस उस बयान दे उपर अड़े दे आ ज्यादा गडकरी साहब माफी मंगन पार्लीमेंट दे खड़ोई जा माफी मंगन कि मैं गलत बयान दिता 60 किलोमीटर अंदर ले भाई सरकार की पैसे की जरूरत है दस पैसे इकट्ठे कर दियो ता ही गल कर सकने लेकिन बड़ा दुख हुआ करता है लेकिन अस जम्मू का लोग फिर कट्ठे हो गए क्योंकि एक दो दिन की गल है सोम मंगल बुधवार तोड़ी अगर इन्हें कट्ठे हो ही है कोई फैसला करी लिया अस फिर उन्हें करने हैं लेकिन अगर इस किस्म की माफिया मंगनिया गोडे रखने कविंदर गुप्ता घर जी फिर भाई नहीं ये साफ तौर पर बातचीत कराई हमने हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता बोधराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे और आपको बताया हमने कि किस तरीके की नाराजगी जो इनके अंदर थी क्योंकि कल के दिन क्या कुछ हुआ वो भी आपने मीडिया के माध्यम से देखी और नो रोड नो टोल की सपोर्ट में बोधराज शर्मा जी और जम्मू की जनता नहीं थी। जम्मू की जनता टोल ही नहीं हो उसके समर्थन में सड़कों पर उतरी थी, साफ तौर पर बोधराज शर्मा जी का कहना है। और इनको क्या कुछ नाराजगी थी वो भी आपने सुनी लिया। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।